आज तारीख हो चुकी है 15 अगस्त। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 खबरों के बारे में बताऊंगा, तो काफी इंटरेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब अगर हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की, तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है यूएई सरकार की तरफ से। दरअसल यूएई गवर्नमेंट ने अब आईपीएल के पार्ट टू के लिए यहाँ पर बीसीसीआई को और यूएई क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पर 60% क्राउड के साथ आईपीएल कराना अलाउ कर दिया है। कुल मिलाकर अब यूएई सरकार ने कल ये ऑफिशियल कर दिया, औपचारिक कर दिया है कि आईपीएल के पार्ट टू में बीसीसीआई और यहाँ पर यूएई क्रिकेट बोर्ड 60% क्राउड को अब यहाँ पर स्टेडियम में बिठाकर आईपीएल के मैचेस करा सकता है। तो कुल मिलाकर आईपीएल फैंस के लिए और आईपीएल टीमों के लिए अब बड़ी कुछ खबर है। लगभग 2 साल बाद आईपीएल में हमें क्राउड देखने को मिलेगा, और हमने देखा है कि जब जब क्राउड के बीच आईपीएल हुआ तो काफी इंटरेस्टिंग आईपीएल का सीजन हुआ है। तो कुल मिलाकर बड़ी कुछ खबर है कि आईपीएल के बचे हुए 31 मुकाबलों में हमें क्राउड देखने को मिलेगा, और क्राउड के साथ आईपीएल काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर क्राउड से आईपीएल इंटरेस्टिंग होगा या फिर नहीं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, तो जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है दिल्ली कैपिटल्स के पूर्व कप्तान सुरेश अय्यर की तरफ से। दरअसल आईपीएल के पार्ट टू के लिए एमआई और सीएसके की टीमें यहाँ पर दुबई पहुंच चुकी है, और दिल्ली कैपिटल्स की टीम यहाँ पर इस महीने के आखिर तक दुबई पहुंचेगी। लेकिन उससे पहले कल यहाँ पर सुरेश अय्यर दुबई पहुंच कर अब ये क्वारंटीन हो चुका। आप इनकी फोटो और वीडियोज अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और खबर ऐसी है कि 7 दिन बाद क्वारंटीन समाप्त होने पर ये एमआई और सीएसके की टीम के साथ प्रैक्टिस करेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर लंबे समय से इंजरी के चलते हुए क्रिकेट से दूर होने के कारण ये दिल्ली कैपिटल्स की टीम से पहले ही दुबई पहुंच कर अब क्वारंटीन हो चुके, और आईपीएल के पार्ट टू के लिए एक तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर एमआई और सीएसके की टीम के साथ मिलकर अब आईपीएल के पार्ट टू की 20 अगस्त के बाद ये तैयारियां शुरू कर देंगे। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के आप क्रिकेट से जुड़ी छोटी बड़ी कोई भी खबर मिस ना कर पाए। हमारे 90% व्यूअर्स वीडियो को लाइक नहीं करते, तो इस तरह की खबरों के लिए आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दें। अब बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की, तो जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है सीएसके के नए प्लेयर को लेकर। दरअसल आईपीएल के पार्ट टू से पहले सीएसके की टीम ने एक नए प्लेयर को परचेस करके अपनी टीम में जगह दी है, जहां पर पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर है तुषार देशपांडे को अब इस टीम ने आईपीएल के पार्ट टू के लिए यहां पर अपनी टीम में इंक्लूड कर लिया। कुल मिलाकर ये दुबई इस टीम के साथ पहुंच चुके हैं और क्वारंटीन हो चुके हैं। कुल मिलाकर नेट बॉलर के रूप में या फिर नेट प्लेयर के रूप में इस टीम के साथ जुड़ चुके हैं। आईपीएल के पार्ट टू के दौरान ये नेट्स में सीएसके के सभी यहां पर बल्लेबाजों को गेंदबाजी करेंगे, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है सीएसके की टीम के यहां पर काफी सारे प्लेयर्स कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो हो सकता है कि इनको यहां पर मुकाबले भी खेलने को मिल जाए। एक तरीके से यहाँ पर तुषार देशपांडे को इस टीम ने अपनी टीम में यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। आपको आने वाले दिनों में हमारी इस वीडियोस में आपको यहाँ पर सभी टीमों के नेट बॉलर्स के नाम बताए जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दे। इसके साथ ही आप कमेंट करें आप कौन कौन सी टीमों के आखिर नेट बॉलर नेट प्लेयर्स के नाम जानना चाहते हो। अब बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की, तो जो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है शारजा क्रिकेट स्टेडियम को लेकर। दरअसल आईपीएल के पार्ट टू के मुकाबले हमें अबू धाबी में, इसके साथ ही दुबई में और शारजा में देखने को मिलेंगे, जहां पर शारजा में कुल मिलाकर यहां पर 10 आईपीएल के मुकाबले होंगे, और इन 10 में से 2 प्लेऑफ्स के मुकाबले होंगे। इसी वजह से अब यहां पर यूएई क्रिकेट बोर्ड ने शारजा के स्टेडियम को यहां पर पूरी तरीके से रिनोवेट कर दिया है। कुल मिलाकर यहां पर लाइटिंग में पूरी तरीके से बदलाव कर दिया, स्टैंड्स में यहां पर पूरी तरीके से बदलाव कर दिया, और यहां के पिचेस को हटाकर अब नए पिच बना दिए गए। तो कुल मिलाकर आईपीएल के पार्ट टू के लिए अब दुबई सरकार ने, इसके साथ ही यहां पर यूएई क्रिकेट बोर्ड ने भी अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी आईपीएल के पार्ट टू के लिए। अब यहां पर दुबई में तैयारियां शुरू हो चुकी है। आप कमेंट करके बताइए आप आईपीएल के पार्ट टू को लेकर आखिर एक्साइटेड हो या फिर नहीं, और कौन सी टीम को आप आईपीएल के पार्ट टू में सपोर्ट करोगे, आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। अब बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की, तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शो की तरफ से। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर यहां पर सूर्य कुमार यादव और
पृथ्वी शो की लेटेस्ट फोटोज देख पा रहे होंगे, जहां पर कल इन दोनों प्लेयर्स ने अपना क्वारंटीन समाप्त कर दिया है। इसी वजह से ये क्राउड में कल के मुकाबले के दौरान मौजूद थे। इन दोनों प्लेयर्स ने यहां पर लॉर्ड्स की बालकनी में बैठकर कल के मुकाबले को यहां पर लाइव देखा था और खबर ऐसी है कि अब तीसरे टेस्ट मुकाबले में इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को कन्फर्म रूप से अब प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा। हो सकता है कि या तो अजिंक्य रहाणे से या फिर चेतेश्वर पुजारा से इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को रिप्लेस किया जाए। तो कुल मिलाकर इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को अब तीसरे टेस्ट मुकाबले में मौका मिल सकता है। वैसे आप कमेंट करके बताइए अब की सिचुएशन में आखिर ये दूसरा टेस्ट मुकाबला ड्रॉ होगा या फिर इस मैच का कुछ रिजल्ट निकल सकता है। आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी और आपके अकॉर्डिंग आखिर इन दोनों प्लेयर्स को अगले मुकाबले में मौका मिलेगा या फिर नहीं, आप कमेंट जरूर करें। अब बात कर लेते हैं छठी बड़ी खबर की। तो जो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है पैट कमिंस को लेकर। दरअसल आईपीएल के पार्ट टू से यहाँ पर पैट कमिंस कंप्लीटली बाहर हो चुके हैं, जहाँ पर सितंबर के महीने में ये दूसरी बार फादर बनेंगे। इसी वजह से आईपीएल के बायो बॉल का भाग नहीं होना चाहता, आईपीएल के पार्ट टू का भाग होना नहीं चाहते है और आईपीएल से बाहर होने पर अब पांच प्लेयर्स के नाम रिवील हुए है। इन पांच में से किसी एक प्लेयर को यहाँ पर केकेआर की टीम पैट कमिंस की रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी टीम में इंक्लूड करेगी। अगर हम बात करते हैं उन पांचों प्लेयर्स की, तो इनमें नाम आता है बिली स्टेनलिक का, नाम आता है विंडीज के ओशन थॉमस का, नाम आता है न्यूजीलैंड के टिम साउथी का, नाम आता है श्रीलंका ऑलराउंडर इसरूडाना का, नाम आता है शेल्डन कोटरल का। तो हो सकता है कि इन पांच में से किसी एक प्लेयर को अब पैट कमिंस की जगह यहां पर केकेआर की टीम में जगह मिल जाए। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर इन पांचों में से कौन से प्लेयर को आखिर यहां पर पैट कमिंस की रिप्लेसमेंट के रूप में चुनना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सातवीं बड़ी खबर की। तो जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स को लेकर। दरअसल कल ही ऑफिशियल हो चुका है कि आईपीएल 2021 के सीजन में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स भी यहां पर कंप्लीटली अवेलेबल होंगे। कल यहां पर दोनों ही क्रिकेटिंग बोर्ड ने अपने यहां पर इन प्लेयर्स को यहां पर एनओसी प्रदान कर दिए। कुल मिलाकर आईपीएल के पार्ट टू के लिए अब सभी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्लेयर्स को अब अपने क्रिकेटिंग बोर्ड्स की तरफ से एनओसी मिल चुकी है। तो कुल मिलाकर जो प्लेयर्स अगर इंडिविजुअली आईपीएल से बाहर होना चाहे तो वही प्लेयर बाहर होंगे, अदरवाइज 90-95% प्लेयर्स हमें उपलब्ध दिखेंगे। तो कुल मिलाकर आईपीएल की सभी टीमों के लिए बड़ी खुशखबरी है, विदेशी प्लेयर्स के साथ हमें आईपीएल का पार्ट टू देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की। तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो आती है सीएसके की टीम के क्वारंटीन पीरियड को लेकर। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर यहां पर सीएसके की टीम के क्वारंटीन की फोटोज और वीडियोज देख पा रहे होंगे, जहां पर इस टीम ने अपने 7 दिन का क्वारंटीन स्टार्ट कर दिया है और एमआई की टीम ने भी यहां पर दुबई में होटल में क्वारंटीन होकर अपना 7 दिन का मैंडेटरी क्वारंटीन स्टार्ट कर दिया। और 7 दिन बाद 20 अगस्त से ये दोनों ही टीमें अब मैदान में उतरकर नेट्स में उतरकर यहां पर आईपीएल के पार्ट टू की ऑफिशियली तैयारियां शुरू कर देगी। तो कुल मिलाकर अब इन दोनों टीमों ने क्वारंटीन शुरू कर दिया, अब कुछ ही दिनों बाद ये टीम आईपीएल की तैयारियां शुरू कर देगी और 19 सितंबर से तो हमें आईपीएल की शुरुआत देखने को मिलेगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर आईपीएल के पहले मुकाबले में एमआई की टीम पहला मुकाबला जीतेगी या फिर सीएसके की टीम पहला मुकाबला जीतेगी। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।